झारखंड जीके के इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना एवं धरातलीय स्वरूप के बारे में। निम्न में से कौन भूपटल की प्राचीनतम चट्टान है? आर्कियन क्रम। झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं? तो झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें भी पाई जाती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं। तो आर्कियन क्रम, विंध्यन क्रम और गोंडवाना क्रम ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी जो है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ वे किस क्रम की चट्टान कहलाती हैं? तो उन चट्टानों को हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। आर्कियन क्रम में निम्न में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो आर्कियन क्रम में ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन क्रम का विस्तार झारखंड की कितने प्रतिशत भूभाग पर है? तो लगभग 90% भूभाग पर आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार है। किस क्रम की चट्टानों को झारखंड में पैतृक चट्टान कहा जाता है? तो आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हें पैतृक चट्टान कहा जाता है। किस क्रम की चट्टानें झारखंड में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो चूंकि झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें ही हैं, तो आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें झारखंड में कहाँ पाई जाती है? सिमडेगा में, पूर्वी सिंहभूम में और पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी में। तो उपर्युक्त सभी में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। झारखंड का भूभाग किनके उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है? तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। आर्कियन क्रम के अपरदन एवं निक्षेपण से किस क्रम की चट्टानें निर्मित हुई है? तो आर्कियन क्रम के अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें की निर्माण हुई है। किस क्रम की चट्टानें भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है? तो भूपटल की प्रारंभिक निक्षेपित चट्टान है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। किस क्रम की चट्टानों को कोल्हान श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो कोल्हान श्रेणी के नाम से धारवाड़ क्रम की चट्टानों को जाना जाता है। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? कडप्पा क्रम। तो कडप्पा क्रम की चट्टानों का अभाव झारखंड में है। किस श्रेणी के चट्टानों में बलुआ पत्थर व चूना पत्थर पाया जाता है? विंध्यन श्रेणी के चट्टानों में। विंध्यन क्रम श्रेणी के चट्टानें झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में किस नदी क्षेत्र में पाए जाते हैं? सोन नदी क्षेत्र में, विशेष रूप से गढ़वा के क्षेत्र में। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम या श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों से, गोंडवाना श्रेणी के चट्टानों से कोयला निक्षेपों का निर्माण हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। किस क्रम की चट्टानों के अवशेष रोहतास पठार के दक्षिणी छोर के क्षेत्र में पाए जाते हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानों के अवशेष। किस क्रम की सबसे महत्वपूर्ण घटना दामोदर तथा सोन नदी में भ्रंश का पड़ना है? गोंडवाना क्रम का। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को
सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? तो छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। छोटा नागपुर पठार की रचना किस प्रकार की चट्टानों से हुई है? तो लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो ग्रेनाइट और नीस नामक चट्टानों से छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण हुआ है। किसे खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का पठार को खनिजों का गोदाम घर कहा जाता है। झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी को छोड़कर सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है? पाट क्षेत्र सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर, लगभग 3000 फीट। तो पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर, लगभग 3000 फीट है। किस पठारी क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है? पाट क्षेत्र की तुलना। किन जिलों में पाट क्षेत्र का विस्तार है? लोहरदगा, लातेहार और गुमला जिलों में पाट क्षेत्र का विस्तार है। पाट क्षेत्र की संरचना किस प्रकार की है? त्रिभुजाकार। समतल ऊपरी सतह के पठार को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? पाट कहते हैं। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टाण कहा जाता है। पाट क्षेत्र का निचला भाग क्या कहलाता है? तो पाट क्षेत्र का निचला भाग दोन कहलाता है। 12वें के मैदान का आकार कैसा है? तो 12वें का मैदान का आकार तस्तरीनुमा है। 12वें का मैदान किस क्षेत्र में स्थित है? पाट क्षेत्र में। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। रांची पठार का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से रांची पठार का निर्माण हुआ है। कौन सी नदी रांची पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है? दामोदर नदी। झारखंड के किस पठार का आकार लगभग चौकोर है रांची के पठार का? चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई क्या है? 150 मीटर। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना कौन सी है? राजमहल ट्रैप। किस युग में राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था? जुरासिक युग में। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है? पारसनाथ पहाड़ी झारखंड का सर्वोच्च शिखर है।
पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? गिरिडीह पठार का। पारसनाथ किस जिला में स्थित है? गिरिडीह जिला में। झारखंड का द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? सरवत पहाड़ी। नेतरहाट किस क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र नेतरहाट है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी की घाटी के निकट स्थित है? बराकर नदी घाटी के निकट। सारंडा की पहाड़ी किस पठार के दक्षिण में स्थित है? सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। वीर मित्रपुर की पहाड़ी किस पठार के दक्षिण में स्थित है? सिंहभूम पठार के दक्षिण में। पोरहाट की पहाड़ी किन पठार के मध्य स्थित है? रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य। झारखंड के किस भाग में राजमहल ट्रैप अवस्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में। राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार कितना है? लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर। चाईबासा का मैदान उत्तर में किस श्रेणी से घिरा है?